मेरी बातें सुनकर देखो हंसना नहीं, इसे झूठ मानकर देखो फंसना नहीं। मैं सब सच बोलता हूँ आपकी कसम, मैंने पिया नहीं विस्की बियर या रम। काम मिलता नहीं रस्ते में, क्लाइंट आता नहीं सस्ते में। बैंड वाले का कैसे बैंड बजाऊं, बगी वाले से कैसे पैसे बचाऊं। केटर का ना पसंद आया खाना, डेकोरेटर को बोल दिया ना बाबा ना। चाहे दहेज में दे कोई सोने की कार, या लड़की को चढ़ाए कोई हीरो का हार। अपनी फीस के लिए मैं तो पक्का हूँ, कोई बीच में आया उसे धक्का दूं। मैं हूँ इवेंट का मैनेजर, काम मेरा सबसे मेजर। हो शादी या प्रो कबड्डी, मेरे आगे सब फिसड्डी। क्लाइंट मेरा ये थोड़ा सा हटेला है, उसका वेन्यू मेरे घोड़े का तबेला है। पैसे देने में वो कड़वा करेला है, पर जुबा से टपकता न्यूटेला है। ये हर इवेंट मैनेजर की कहानी है। आज मैं आपसे बात करूंगा इवेंट मैनेजमेंट सीन के बारे में। इंडिया के अंदर जो इवेंट मैनेजर्स हैं, उन लोगों के ऊपर कितना प्रेशर, कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आज हम बात करेंगे उसके बारे में। और हम बात करेंगे क्लाइंट्स के बारे में कि क्लाइंट्स क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इवेंट मैनेजर से, और किस तरीके से इवेंट मैनेजर्स उसको डील करते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज मानिक भटेजा, आई एम अ डांसर, कोरियोग्राफर, आर्टिस्ट, परफॉर्मर एंड डायरेक्टर ऑफ डांसेरा। और आपको मैं ऐसी वीडियोस हर सैटरडे 7 बजे देता रहता हूं। मेरी वीडियोस के अंदर डांसर्स, कोरियोग्राफर से रिलेटेड कॉन्टेंट होता है, मगर आज की इस वीडियो के अंदर मैं इवेंट मैनेजर्स के बारे में कोई कॉन्टेंट बना रहा हूं, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे इवेंट मैनेजर्स हैं जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, रेगुलर उठते बैठते हैं। सो आई नो द इन एंड आउट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू all of this in this particular video. So welcome to my channel. Event management is a very difficult job. Event manager hote kaun hai? Event manager wo insaan hai jo har pressure ko jhelne ke liye, har cheez ko jhelne ke liye bilkul ready rehta hai. Ek event manager banne ke liye aapko apne presence of mind chahiye, aapko creativity chahiye, aapko precision chahiye aur bahut sari aisi qualities aapko apne andar chahiye agar aap ek acha event manager banna chahte ho to. तो मैं ऐसे बहुत सारे इवेंट मैनेजर्स के साथ घिरा हुआ हूँ जिनको मैं देख के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। और मुझे लगता है कि वो ये काम कोई भी ऐसा बंदा नहीं कर सकता जिसके अंदर पैशन नहीं है अपने काम को लेके। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट के अंदर कोई भी ऐसा इंडिया में कॉलेज नहीं है जो कि पूरा इवेंट मैनेजमेंट सिखाता हो। अब हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें आई हैं, मगर जो पुराने इवेंट मैनेजर्स हैं जो आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग्स करते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट शोज़ करते हैं, गवर्नमेंट के शोज़ करते हैं, वो लोगों ने खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करके, खुद के साथ एक्सपीरियंस से फेल होके, पास होके, सब चीज़ें सीखने के बाद आज वो यहाँ पे पहुँचे। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ये आपके पास एक डिग्री होगी तो आप एक अच्छे लेवल के ऊपर जाके किसी भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर एक CFO या CEO के लेवल पे जाके लग सकते हैं, जिस तरीके से IT कंपनीज के अंदर होता है। सो इट्स अ वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अंदर जिसने जितना काम किया है, जिसके पास जितना एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर जितनी क्रिएटिविटी है, वो उतना आगे बढ़ता है, और जिसके अंदर ये चीज़ों की कमी है वो पीछे रह जाता है। सो सिंपल सी कहानी है, the bigger experience you have in event planning, the bigger are your clients, the bigger is the risk and the bigger is the reward you will get for it. So bigger experience, bigger clients, bigger risk and bigger reward. तो एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक होता है इवेंट मैनेजर और एक होता है क्लाइंट। इवेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो क्रिएटिव रहे, वो हर चीज़ के लिए बजटिंग और हर चीज़ के ऊपर डिटेलिंग पे काम करे, और क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी होगी कि वो कम से कम नेगोशिएशन करे और अपने इवेंट मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट दिखाए। तो अगर आप एक बहुत हार्ड नेगोशिएटर क्लाइंट है तो आपको इवेंट मैनेजर उतना ही काम दे सकता है जितना उसकी कैपेसिटी है और वो आपके साथ जितना कनेक्टेड है। अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे हैं और आप उसको शाबाशी दे रहे हैं और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो शायद वो अपने कंफर्ट जोन से, अपनी चीज़ों से निकल के और आगे आपके लिए बढ़ चढ़ के काम करें, मगर इवेंचुअली जो पैसा आप उसको दे रहे हैं आपको वो काम उतना ही मिलने वाला है। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने बहुत अलग अलग लोगों के साथ काम किया, बहुत क्रिएटिव क्लाइंट्स के साथ भी काम किया, बहुत क्रिएटिव इवेंट मैनेजर्स के साथ भी काम किया, और जहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मिलता है, जहाँ पर क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है, इवेंचुअली उसका रिजल्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल मिलता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और भी होते हैं। अगर एक इवेंट मैनेजर बहुत सटल है और दूसरा क्लाइंट भी बहुत सटल है, तो सटल और सटल मिलके एक इतना ब्यूटीफुल और सटल सा इवेंट भी बनाते हैं। और सिमिलरली अगर एक इवेंट मैनेजर बहुत लाउड है और वैसे ही क्लाइंट की भी सोच है, तो ये दोनों मिलके भी बहुत अमेजिंग सा एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इनका शफल भी हो सकता है कि एक सटल इवेंट मैनेजर को एक लाउड क्लाइंट मिल जाए और एक लाउड इवेंट मैनेजर को एक सटल क्लाइंट मिल जाए। तो इवेंट मैनेजर का एज अ जॉब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने क्लाइंट की नीड्स को फुलफिल कर पाए और अपनी चीजों को थोड़ा सा पीछे रख के और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को सुन के उसको डिलीवर कर पाए। मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हुए आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगले हफ्ते आने वाला है EPL एंटरटेनमेंट प्रीमियर लीग। तो मैं चाहता हूं अपनी पूरी YouTube फैमिली के लिए और अपनी पूरी ऑडियंस के लिए कि मैं आप लोगों को एंटरटेनमेंट प्रीमियर लीग में लेके चलूं और मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग वहां पे बनाऊं। तो नेक्स्ट वीक सैटरडे 7 o'clock में आपको मिलता हूं इसी चैनल के ऊपर। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी विद मी इन दिस जर्नी ऑफ कंटेंट क्रिएशन। थैंक यू वेरी मच। दिस इज मानिक भटेजा साइनिंग ऑफ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एट EPL।